Amit's rectangular poster is 36 cm by 20 cm and Riya's rectangular poster is 26 cm by 30 cm. Which poster has larger area and by how many square centimeters? अब दो लोग हैं हमारे पास, अमित और रिया, दोनों के पास अपना अपना रेक्टेंगुलर पोस्टर है, दोनों की लेंथ और विड्थ दिए हुए हैं, हमें दोनों का एरिया कैलकुलेट करके बताना है कि किसका एरिया ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसे खुद से करने का कोशिश करें, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम उनके एक्चुअल पोस्टर के साइजेस को विजुअलाइज कर सके। तो अमित का पोस्टर है 36 सेंटीमीटर लंबा, कुछ 36 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा अमित का पोस्टर, इसके डायमेंशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 20 सेंटीमीटर। अब रिया के पोस्टर पे आते हैं, तो रिया का पोस्टर है 26 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा और कुछ ऐसा। ये हो जाएगा हमारा रिया का पोस्टर, इसकी लंबाई है 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। ये है हमारा रिया का पोस्टर और ये है हमारे अमित बाबू का पोस्टर। अब अमित के पोस्टर की हम एरिया कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी लेंथ टाइम्स विड्थ। एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर्स और विड्थ है 20 सेंटीमीटर्स। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 इंटू 20 यानी 36 टाइम्स 2 टाइम्स 10, 36 टाइम्स 2 हो जाएगा 72 और 72 टाइम्स 10 हो जाएगा 720, तो ये आ जाएगी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिया के पोस्टर की एरिया देखते हैं अब, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रियाज पोस्टर जो कि फिर से लेंथ टाइम्स विड्थ होगा। लेंथ है इसकी 26 सेंटीमीटर्स और विड्थ है 30 सेंटीमीटर्स, तो ये हो जाएगी 36 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 26 इंटू 30 हो जाएगा 26 टाइम्स 3 टाइम्स 10, 26 टाइम्स 3 होता है 6 3 18, 8 हाथ में 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 78 टाइम्स 10 यानी 780 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि जो रिया का पोस्टर है उसका एरिया ज्यादा बड़ा है क्योंकि 780 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रिया का जो पोस्टर है वो ज्यादा बड़ा है। अब कितने से ज्यादा बड़ा है तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ऑफ एरियाज, DIFFERENCE, ये डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 780 माइनस 720 जो कि अमित के पोस्टर का एरिया है। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रिया का पोस्टर ज्यादा बड़ा है और वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा बड़ा है कंपेयर्ड टू अमित के पोस्टर से।